क्लासेस हम लोग प्रपोजिशन की सीरीज कर रहे थे। प्रपोजिशन के अंदर देखो, आज हम ऐसा प्रपोजिशन लेते हैं जिसका खुद का मतलब होता है के बारे में, यानी हम करते रहते हैं प्रपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वी रीडिंग अबाउट प्रपोजिशन, यानी कि अबाउट, अबाउट का मतलब ही क्या होता है के बारे में। अब किसी के बारे में हमें कुछ भी बताना है तो नाउन के यूज से पहले हम किसका यूज करेंगे, प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और प्रपोजिशन हमारा क्या है, अबाउट, और अबाउट का मतलब क्या होता है के बारे में। तो देखो अबाउट के कौन कौन से यूज है। तो पहले तो आपको मैं आज अबाउट का ऐसा यूज बताता हूं जो कि आप डेली लाइफ में बार बार यूज करते रहते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में आप चलते हुए बोल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। जैसे मान लो सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर उसके बाद में इजारम लगा हो गया हेल्पिंग अप के लिए, फिर उसके बाद में अबाउट लगा हो गया, फिर लगाओगे टू, फिर लगाओगे बक की हस्पो। ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनेगा देखो, जैसे मैंने बोला मेरे पापा आने वाले हैं, मेरे पापा आने वाले हैं। देखो आप भविष्य की चीजों को, यानी कि कुछ समय बाद में होने वाली चीजों को आप पहले ही जाहिर कर देते हो, यानी कुछ समय होना जो काम है वो थोड़ी देर बाद में होना है, लेकिन आप पहले ही उस चीज के बारे में क्या कर देते हो, आशा लगाते हो। तो वहां पे किसका यूज होता है, अबाउट प्लस टू, यानी इन्फिनिटी का यूज होता है। अब देखो ये जो टू आ रहा है यहाँ पे, टू के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टू एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू इन्फिनिटी का कार्य करता है, इन्फिनिटी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनिटी का मतलब है, आपको पता है इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, यानी कि टू से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लगा के, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप सेंटेंस को कितना भी लंबा खींच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में, मैंने ये वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं आराम से जाके, इन्फिनिटी वाला। अब यहाँ पे देखते हैं हम भविष्य की प्रेडिक्शन के लिए, भविष्य की प्रेडिक्शन के लिए जो सेंटेंस हम यूज में लेते हैं, जैसे मेरे पापा आने वाले हैं, लाइट आने वाली है ना, खाना बनने वाला है ना, तो बहुत सारे सेंटेंस आप डेली रूटीन में यूज लेते हो, तो उनको बनाए कैसे, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, एक मिनट में सीख जाओगे आप, बस बने रहिए मेरे साथ। और पेन और कॉपी अपने साथ में रखना है, आपको थोड़ी थोड़ी क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, आप बिल्कुल सीख जाओगे, 100% सीख जाओगे। जैसे मैंने बोला मेरे पापा आने वाले, तो मेरे सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरे पापा, यानी माई फादर इज, क्योंकि सिंगुलर है, माई फादर इज अबाउट टू कम, मेरे पापा आने वाले हैं, माई फादर इज अबाउट टू कम, यानी मेरे पापा आने वाले हैं। लाइट चली गई है, लाइट गई हुई है, और लाइट अभी आने वाली है, तो लाइट का बन जाएगा, लाइट इज अबाउट टू कम। जैसे अब बहुत सारे, जैसे वह मरने वाला है, ही इज अबाउट टू डाई, यानी वो मरने वाला है। यानी जैसे मान लो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो ना, जैसे इंडिया मैच जीतने वाला है, तो इंडिया के लिए आप लगाओगे इंडिया इज अबाउट टू विन, यानी इंडिया जो है मैच जीतने वाला, अबाउट टू विन द मैच। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो इसका, है ना, आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, क्योंकि टू ये विन जो वर्ब है ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी, विन यानी जीतना, क्या मैच, यानी कि इंडिया मैच भी जीत सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, और बाकी मैं आपको सारा सिखाऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एक एक चीज यहाँ पे पूरी दिखाऊंगा, पूरे समझाऊंगा आपको कि कौन सी चीज कहाँ से आती है, और कौन सी चीज को अपन कैसे यूज ले सकते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के अंदर, ठीक है। अब देखो इंडिया इज अबाउट टू विन, अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसका नेगेटिव और इंटरनेगेटिव तो आप बना ही सकते हो, क्योंकि नेगेटिव के अंदर क्या आता है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे, मेरे पापा नहीं आने वाले, आज मेरे पापा नहीं आने वाले, तो इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा, नोट थर्ड नंबर पे आ जाता है, मेरे पापा नहीं आने वाले। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, मेरे पापा नहीं आने वाले हैं,
माई फादर इज नॉट अबाउट टू माई फादर इज नॉट अबाउट टू कम, यानी मेरे पापा नहीं आने वाले। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया हमारा, तो आप नहीं के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। सर बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप उनका अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे ये होने वाला है, बारिश होने वाली है ना, ये मैं घर जाने वाला हूँ, मैं क्लास शुरू होने वाली है, चुनाव शुरू होने वाले हैं, यानी बहुत सारे सेंटेंसेज है जिसको आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। उसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर अबाउट टू का यूज करना है, और उसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वर्ब आपको आनी चाहिए, वर्ब के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन सी वर्ब आपको पढ़नी चाहिए रोज डेली रूटीन के लिए, और कौन सी वर्ब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अबाउट टू वाला आपको समझ में आ गया, इन्फिनिटी जो कि बहुत बार आप यूज करते हो। इसके बाद में पेन और कॉपी रखिएगा, इनको नोट करते जाइएगा, और अपने डेली रूटीन में आप इनको यूज करें तो आपको इंग्लिश आएगी, 101% आपको इंग्लिश आएगी। अब देखो अबाउट का यूज और कहां होता है, अबाउट का यूज देखते हो और कहां होता है। अबाउट का यूज देखो, इसका मींस ही क्या होता है, के बारे में, पहले इसका ही देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, के बारे में, यानी आप किसी के भी बारे में, किसी के बारे में उसका चाहे हालचाल जानना हो, चाहे उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति बतानी हो, या फिर आपको कुछ भी बताना हो, होना क्या चाहिए, किसी नाउन के बारे में आपको कुछ भी बताना हो, तो आप किसका यूज करोगे, अबाउट का यूज करोगे। और आपको बताया है अबाउट एक प्रेपोजिशन है, नाउन से पहले आता है, तो अबाउट के बाद में नाउन आएगी, तभी तो आप ये जो अबाउट है किसके बारे में बताएगा, किसी नाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। यानी अबाउट लगाते हमें पता चल जाएगा कि इस नाउन के बारे में कोई बात हो रही है। जैसे मान लो अबाउट प्रेपोजिशन, मैंने लिखा अबाउट प्रेपोजिशन, देखो समझना अच्छे से, अबाउट प्रेपोजिशन यानी कि ये अबाउट ने बता रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है, प्रेपोजिशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, अब देखो आगे देखते हैं इसका यूज के बारे में कैसे करोगे। जैसे तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, तो क्या हो जाएगा, हाउ डज यू नो अबाउट मी, यानी तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। ये हो गया हमारा WH हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये सॉरी मेन वर्ब हो गई, और ये प्रेपोजिशन अबाउट हो गया, और ये प्रेपोजिशन की नाउन या प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो है वो किसके बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया अबाउट का यूज किसके बारे में। अब के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे मैं इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी मैं इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आई वॉन्ट वाला मैंने आपको करवा दिया है, पॉइंट में बताना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस बुक, यानी मैं आपको इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अबाउट क्या, किसके, किस किताब की बात हो रही है, इस वाली किताब की बात हो रही है, यानी अबाउट पहले आ गया प्रेपोजिशन, यानी के बारे में। तो आपको सीधा सीधा ये देखना है किसी के बारे में, जैसे मुझे मेज के बारे में कुछ बताना है, मुझे वह जो है एक्सीडेंट है वो उन दोनों पेशेंट के बारे में एक स्टोरी बयां करता है, तो वहां पे भी के बारे में आ रहा है। तो आप के बारे के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, अबाउट का यूज कर सकते हो ना, किसी के बारे में समथिंग नो अबाउट हिम, ठीक है। अबाउट का एक यूज आपको समझ में आ गया। दूसरा हम यूज लेते हैं अबाउट का, अबाउट का जो यूज होता है दूसरा, लगभग, यानी कि लगभग या आसपास के सेंस में, आसपास यानी मेरे पास लगभग 20 रुपए हैं। जैसे मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास आई हैव अबाउट 20 रुपीज, यानी मेरे पास लगभग कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं, है ना। जैसे क्लास में लगभग, लगभग तो
लगभग के लिए आप अबाउट का भी यूज कर सकते हो, अराउंड का यूज भी कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अराउंड में भी लगभग होता है, अबाउट के अंदर भी लगभग होता है। तो अबाउट का यूज जहां पे होता है वहां पे आप अराउंड का यूज भी कर सकते हो और किसका, अबाउट का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। फिर उसके बाद में अबाउट का यूज लगभग या आसपास के सेंस में, जैसे एक जो अबाउट का यूज होता है वो कहाँ होता है, देखो बता देता हूँ। अबाउट का यूज एक आप कहाँ करोगे, जैसे मान लो जो अराउंड मैंने आपको बताया था, अराउंड यानी कि आसपास, आसपास या चारों ओर, चारों ओर, आसपास चारों ओर बाहर की तरफ। जैसे मान लो मेरे मेरे जो फ्रेंड है वो टेबल के आसपास बैठे हैं, तो आसपास के लिए जैसे माय फ्रेंड्स आर सिटिंग अबाउट द टेबल, यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, टेबल के चारों ओर घूम के बैठे हैं, यानी चारों ओर के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, अबाउट का यूज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें अबाउट का जो यूज दे रखा है वो बहुत इजी यूज है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।